देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आम बजट 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को दी गई सौगात पर आभार प्रकट कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, मेयर विनोद चमोली और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश भर के सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड को केंद्र ने प्रदेश में कृषि को उन्नत करने के लिए 41 करोड़ रुपए का बजट दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद इस सहायता पर मोहर लगी। वहीं सहकारिता और चीनी क्षेत्र के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 2600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं कृषि मंत्रालय ऑर्गेनिक राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड को 1500 करोड़ भी देगा। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार के योगदान की भी सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। निश्चित रूप से जो बजट आया है, पहले तो मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। केदारनाथ जी के कपाट बंदी के अवसर पर जब वो उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने केदारनाथ में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा था कि उत्तराखंड को जैविक प्रदेश के रूप में विकसित किया जाएगा। आज लगभग 1500 करोड़ से ऊपर का बजट केवल जो क्लस्टर बनने हैं जैविक खेती के, उसके लिए उन्होंने हमको दिया है। इसके साथ ही कृषि यंत्रीकरण है, जो विलेज मार्केट है, कोल्ड चेन है, उसके लिए हमको 3 गुना तक बजट उन्होंने हमको दिया है। कुल मिलाकर अगर हम कोऑपरेटिव के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से जो पैसा हमको मिला है, अगर हम इन टोटलिटी में उसको देखें तो लगभग 6000 करोड़ रुपया सालाना हमारा कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो पशुपालन है, फिशरीज का है, प्रोसेसिंग का है, उसमें 6000 करोड़ रुपया सालाना उत्तराखंड को दिया है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।